आज ड्राइवर चेंज है, ट्रेनिंग ड्राइवर है, जितने भी पीछे बैठे हुए सभी बिल्कुल अंजर पंजर पकड़ के बैठे हुए हैं। गाड़ी पहुंच चुकी है वॉशिंग सेंटर में। अरे नहीं नहीं मेरा गाड़ी हमारी तरफ की जो नदी है लेकिन जो तल्ली छूनी वाली नदी है वो बिल्कुल तल्ली छूनी जाना है आज नहाने तल्ली छूनी वाली रोड घर साफ है हल्की फुल्की हुई पर इतने में चलता है। यहाँ पार्किंग कर लेंगे गाड़ी को। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आए नए ब्लॉग में। दगड़ियों आज महल चोरी की यात्रा कर रहे हैं हम और आज ड्राइवर चेंज है। आज लक्ष्मण की जगह पहाड़ी दगड़िया बैठा हुआ है। अभी ट्रेनिंग ड्राइवर है इसीलिए जितने भी पीछे बैठे हुए सभी बिल्कुल अंजर पंजर पकड़ के बैठे हुए हैं और हाथ पांव जोड़ के बैठे हुए हैं। तो चलिए यात्रा करते हैं प्रारंभ और मिलते हैं वापस सीधा महल चोरी में। क्या पता उससे पहले मुझे ही गाड़ी पकड़नी पड़ेगी क्योंकि जहाँ तक चौड़ी रोड है वहाँ तक तो दीपू चलाएगा, उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी चलाने की। चल चल। तो दगड़ियों मोटियापू के समीप पहुँच गए हैं सेंट्रल रख बस ये मात कर देखिए भाई ना भैया दिन ना 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 रुक जा रुक जा तुम बात जल मौका तुमको मौका देंगे हम लेकिन तभी और चलो यहाँ से हम चलाते हैं। चल आया बैठ जा पैर कौन होगी चल ये वो कर दिन ना ये गहरा बस था बहुत जल पहले ढूंढू है ना वो सिंगल दे देंगे इस गाड़ी को। दगड़ियो ये देखो खून ही खून हो गया दगड़ियो झोंक ने काट दिया है यहाँ पे एक खून ही खून हो गया पाँव में अब इसको भी धोना पड़ेगा। अच्छी तो दगड़ियो पहुँच गए हैं महल चोरी, गाड़ी पहुँच चुकी है वॉशिंग सेंटर में और ये खड़े हैं हमारे साथ वाले आज। और ये देखो आज क्या बेहतरीन धूप खिली हुई है, बेहतरीन नज़ारा महल चोरी बाजार का। दगड़ियो टमाटर और खेवल के खाती रुपये किलो 100 रुपए किलो महल चोरी में बिक रहा है और मार्केट में 120 रुपए। आखिर मतलब फ्री में देने हो और सच में हमारा को फ्री में देने क्यों अगर त्याग हुए नहीं तो फ्री में देने कई लोगों ने हम तो दुकान नहीं देखने पर हम के तुम में देखने क्या यूट्यूब पे देखने ये देखते चले ते डाल में ते मार दे आधा किलो मात्र आधा किलो 50 रुपये मात्र डाल दे बस कर जाओ दीते ते पैक कर जाओ। अब दगड़ियो गाड़ी धुल के आ चुकी है टनाटन एकदम। बाकी ये साथ वाले दो बालक एक बालक तो चला गया है वाला अपने दीदी के ससुराल। चल भाई लिमड़ अरे दगड़े लिमड़ भी आ रखे हैं यहाँ बाजार में ना बिकने के लिए 50 रुपये किलो। चलो और ये देखो लिंगड़े 50 रुपये किलो। हाँ चल भाई ये भर के लगो रहे तो दगड़े देखो गाड़ी भी बिल्कुल चमचमाती हुई। अरे लाटा वही पीछे डाल देना पहले बल बंदर को दी बल हल्दी उसने मुंह पे मल दी अनोड़ा साबुन। अरे नहीं नहीं मेरे गाड़ी। तो दगड़े हो हमारी तरफ की जो नदी है रामगंगा नदी आ रही जो गैसेंड से वो बिल्कुल मैली आ रही है लेकिन जो तल्ली छूनी वाली नदी है वो बिल्कुल साफ है। तो बल ये क्या बोल रहे हैं कि अभी विचार बन रहे भाई अभी नीने तो सावन क्यों लिया की विचार बन रहा है ना अभी हाँ जाने का कोई कुछ नहीं हुआ जब इतनी जब इतनी विचार बनेगी तो सब कुछ होगी। चलो ठीक है दगड़ियो बल तल्ली छूनी जाना है आज नहाने तल्ली छूनी वाली रोड पर चलो देखते हैं। मैं रोड पर कभी नहीं जाया भाई आज तक चलो देखे देखते हैं नहाने के लिए आज बल तल छुनी जाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ की नदी बिल्कुल दूषित है। ये देखो आप यहाँ से तो क्या दिखेगा आपको बहुत गंदी है इतनी गंदी है नदी और तल छुनी की नहीं दिखाऊंगा आपको बिल्कुल साफ आ रही है। आप पुल की कंडीशन देखिए आप गाड़ी कितना अरे ये तो ये रोजे ने रोए पू आजीवन भर चलो 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 चलो। तो दगड़े यहाँ जाना है हमने सामने पुल आएगा जिसको हम मोटे आपू बोलते हैं फिर जो साइड रोड है उस रोड पे बढ़ेंगे हम आगे। पहली बार जाऊंगा मैं इस रोड पे कर ये देखो
तो यहाँ को जाएंगे हम अपने मालकोट, लेकिन आज हमने नहाने जाना है शूनी तल्ली वाली रोड पे। ये देखो, ये देखिए शूनी तल्ली लिखा हुआ है, शूनी तल्ली। चलो, इस रोड का उद्घाटन आज हमने कितने सालों बाद किया, पूरे पूरे साल की जब हम जब से नहीं तो पैदल भी नहीं जाए। रोड तो बने हुए 1.5 साल हो गया है, पर मैं तो कभी पैदल भी नहीं गया इस रोड पे। आज हमारा सौभाग्य इस तरह से रहा कि सौभाग्य नहीं, आज तल्ली सुनी का सौभाग्य रहा कि हम इस रोड पे अग्रसर है। हम कुछ कही आज्ञाकारी सौभाग्य रहा है। इधर पूछे होगी, बस यही था, बस घर साफ है, घर तो साफ है ना। ये देखिए दोस्तों, वो क्या बात है यार, यहाँ की नदी साफ है। हमारे साइड पता नहीं गैसेंड कहाँ से गंदी हो रही है, नदी हल्की फुल्की हुई, पर इतने में चलता है, इतने में तो नहा। अरे हुई तो गंदी हुई यार, पारो ना ये तो बेहतरीन यार। देखो आप, ये रोड मस्त बनी है यार, बेहतरीन। छाया में गाड़ी लगा देंगे, इधर कहीं नहाएंगे। ये देखो आप, यहाँ पार्किंग कर लेंगे गाड़ी को, वो पार पोथला हम की गाड़ तो गदी हुई, पर ठीक है चलो नहा लेंगे। क्या जा रहा है, नहाना तो है ही, ऊपर से मोड़ के आते हैं गाड़ी। वो हम नहा पार हुआ, वेट वेट हुआ हम इस पत्थर के, यहाँ पे नहाएंगे। तो दगड़ियो गाड़ी पार्क कर दिया है हमने बिल्कुल सड़क के किनारे, सड़क बोल रहा हूँ, नदी के किनारे, और ये पीछे है नदी। तो यहीं से कपड़े उतार के जा रहे हैं हम, तो यहाँ से नीचे ही है, और आराम से नीचे जाके नहाएंगे, क्योंकि हमारे साइड की नदी दिखाई मैंने आपको कितनी ज़्यादा भयंकर हो रही है। तो आज नहाने आ रखे हैं हम तल्ली सुनियों की नदी में। और पानी का बहाव बहुत ही तेज दगड़ियों, तो देख रहे हो स्नान करके अब घर वापसी का समय हो चला है, और इतना ज़्यादा आनंद आया है हमें नहा के, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था इसका, कहीं जुकाम ना लग जाए बस, बाकी बिल्कुल ठंडा पानी है। और यहाँ से तल्ली सुनी कम से कम कति किलोमीटर से अभी आगे ना जी, जब हम रुके जी ना ना, ये तो यार ये तो पुआ पुआ बारे में लिखियो, अच्छा ये छोटवा पू पैदल पु तो पहले मतलब जब पैदल था तो ये छोटा सा पुल था, फिर यहाँ से बिल्कुल साइड साइड जाके सीधा उधर महल चोरी जाते थे। जब के जमान में अगर हमारे को भी जाए रोड तो हमारे को भी नहीं बोला लो कि पैदल पूछी पुल की तो मारा मारी है दगड़ियो ना हमारे गांव में, कब पुल आएगी, कब जो है हमारे गांव में गाड़ी चलेगी, कब हम गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे, परेशान हो गए पैदल से चल के। और ये देखो यहाँ कितना गंदा पानी आ रहा है, पैर तो खोबी कतो हुई पर ठीक चीगी। और ये है सामने आपका मोटियापू बोला नहीं, और ये बगल में जो रोड जा रही है सीधा महल चोरी, और यहाँ से आप सीधा जाएंगे हम आगे अपने गंतव्य स्थान मालकोट के लिए। कति लंबो कितने हो भाई, डेवलप कति किलोमीटर कुछ लंबे लिखियो, अच्छा ये नील स्टोन पे 4 किलोमीटर मतलब वहाँ से 3 किलोमीटर के करीब और है आगे तल्ली सुनी जहाँ तक हम रुके हुए थे। चलो चलते हैं अब सीधा मालकोट की ओर।
तो दगड़ियों मालकोट पहुंचे, उसके बाद पता लगा कि लक्ष्मण लोगों का मैच है आज लाटू गेयर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, तो वहीं के लिए निकल गए हैं। गाड़ी तो हमने पार्क कर दी थी, लेकिन ये जूरी भाई की बाइक लेके हम आ रहे हैं पीछे से, दीपू और दूसरा भाई, ये देखो ये अपनी बाइक में आ रहे हैं। तो बस देखते हैं कि किस प्रकार का से मैच चल रहा है, मैल चोरी के लड़के आ रखे हैं उनसे मैच मुकाबला कर रहे हैं। चलो तगड़े पहुंच गए हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम लाटू गेयर पर, मैच का होने गया हूं। कौन मैच यार, मैं आड़ कसली में मैच में अगर ऊंच नीच खेलते वाली है तो मैं अग्रू वाले फड़ वाले के उधर देखो आप। तो दगड़े सामने मैच हो गया है प्रारंभ, और जिस हिसाब की धूप हो रही है और साथ में ये रिमझिम आपको बारिश भी दिख रही होगी, तो हमने सोचा कि हम घर ही चल जाएंगे। चलो रे चले, ये देखो बारिश भी प्रारंभ हो गई है और साथ में एक भयंकर वाली धूप भी है। पालक तो पूरे हो गए हैं, हमको खिलाएंगे नहीं वो तो हमको हमारा रुकने का क्या फायदा है यहाँ, तो चलो हम भी चलते हैं घर। भाई टाइम बताओ, टाइम का ढूंढ टाइम बताओ, टाइम का ढूंढ हो कैसे कर। तो दगड़ियो 2 बजे के मालकोट में आए हुए हैं, उसके बाद मैच देखने गए, वहाँ से जल्दी घर आ गए, मतलब मालकोट आ गए, और फिर प्रतीक्षा में समय लग गया यहाँ पे, और प्रतीक्षा हमने की मोहिती, ये गया हुआ था भर्ती में सम्मिलित होने रानीखेत स्पोर्ट्स कोटा, तो आज बल भर्ती हुई नहीं, डेट दी थी ना कि निधि कब है, अब बल 20 तारीख को जाना है इसने। नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी है हमारे बीच में, नेशनल नहीं स्टेट ना, स्टेट खेला हुआ है, तो उसी स्पोर्ट्स कोटे से गया हुआ था। तो ये चौकोटे से आ रहा था, इसका वेट कर रहे थे हम, और वेट करते करते इतना समय हो गया, अब ये आया है, तो अब सब देखो जो बैट्समैन जो फील्डर भी थे जो मैच खेल रहे थे बालक लक्ष्मण, वो भी पहुंच गया है। चलिए करते हैं अब यात्रा प्रारंभ, 7 तो यहीं बज गए हैं, घर जाते जाते मुझे लग रहा है 8:30 बज जाएंगे आज, तो अंधेरा हल्का हल्का यहीं पे हो गया है। तो दगड़ियों 8 बज चुके हैं और अभी हम सिर्फ बिकी भाई के घर के समीप पहुँचे हैं। चलो फिर ओके शुभरात्रि भाई, भाई जाओ 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 दे रहे भाई सामान दे रहे, सामान दे रहे, अच्छा फोन, चलो ठीक है भाई भाई कौनी क्या चाहिए, सी यू टाटा, फोन दे दे रहे भाई, ये आईफोन लेना भी ढूंढ भाई, अगर फोटो वीडियो बनाए तो इन्हें तुरंत चैन भाई तुरंत, आईफोन क्यों ढूंढता है। चलो ओके बाय बाय, एक डेर फोन है तुम। तो दगड़ियो गांव के समीप पहुंच चुके हैं, ये बस ऊपर टावर है ये, और यहाँ से बस 200-300 मीटर दूर ही है गांव अपना, और बाकी अपनी हालत तो बहुत बुरी हो रखी है थकान के मारे। जय हो माँ भगवती। दगड़ियो 8:15 और हम पहुंच चुके हैं गांव की दहलीज में, ये देखो पीछे आप गांव का सुंदर नज़ारा, सिर्फ लाइट की दृष्टि से ही देख पा रहे होंगे, लाइट चल रही है, बाकी चलो चलते हैं। अरे लक्ष्मण कितने टाइम के लाला है भाई, ये भाई ताकत है, तुम तो बहुत जल्दी आ जी, क्यों नहीं हो अबला कुछ नहीं थोड़ा लगी। दगड़ियो घर पहुंच चुका हूं मैं, और अब भोजन करने का समय हो चला है, लेकिन उससे पहले मैं करता हूं स्नान, उसके बाद मैं करूंगा भोजन है ना, और फिर मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत जय उत्तराखंड। और आज बहुत थकान लग गई है, बाकी जब पानी में नहाने गए थे हम क्या ही ठंडा पानी था, मज़ेदार। चलिए मिलता हूं अगले व्लॉग में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।